नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। मेरा नाम चंदू जैन है और मेरे साथ हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर तुषार त्यागी सर। हमारे हाथ में इस समय वीडियो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र, तो आइए इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगा, ओवरऑल अगर बात किया जाए आज के इस मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में, तो ये पेपर कैसा रहा, बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है, ये तो हमने जानी ही सही, लेकिन अगर बात करें एक टीचर के हिसाब से तो क्या प्रतिक्रिया रही इसकी? सर देखो, पेपर को अगर मैं देखना शुरू करा मैंने, तो कुछ क्वेश्चंस थे आपके, मतलब एक इंदिरा गांधी कैनाल का आया है, एक नया सा क्वेश्चन आया है ये, और मैच करने वाला है। बाकी जैसे चंबल और माही सुगंधा वाला जो क्वेश्चन है, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। उसके अलावा यहाँ पे कुछ सिंचाई परियोजनाओं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बालू का स्तूप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज्योग्राफी ओवरऑल मैं अगर बात करना चाहूँ तो यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हैं, एक मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके टिपिकल क्वेश्चंस थे। जिन विद्यार्थियों ने प्रीलिम्स की तैयारी करी है या जो एक साल से कंटिन्यू पेपर दे रहा है, जिसने सारे पेपर दिए हैं जिस विद्यार्थी ने, उस विद्यार्थी का नो डाउट ये पेपर अच्छा गया होगा। और मेरिट के अंदर पेपर को देख के मेरे को लगता है कि हाँ, अच्छी वाली फ़ाइट होने वाली है इसके अंदर। अच्छा विद्यार्थी जो है वो सिलेक्शन लेगा। जैसे प्रीलिम्स के अंदर 50% प्लस वाले आपके क्वालिफाई कर गए थे, मेंस के अंदर जो है एक साल से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन यहाँ पे नो डाउट सुनिश्चित है। सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि पेपर में इस बार थोड़ा सा राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा रहा है। मैं पेपर को देख पा रहा हूँ, ओवरव्यू अभी फर्स्ट व्यू है ये, तो पेपर में राजस्थान कला संस्कृति के काफ़ी अच्छे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। सर, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो, जैसे अगर सबसे पहले बात करें तो हस्तशिल्प से यहाँ से सवाल आया है, जनजाति से है, लोक देवता से है, जनजातियों से। पिछली बार भी सर प्री में भी काफ़ी अच्छे सवाल थे। एक सर बहुत अच्छा सवाल भारतीय इतिहास के यहाँ से पूछा गया, अखंड वास्तुकला का उदाहरण है ये। सर इंडियन हिस्ट्री का बहुत शानदार सवाल है, महात्मा गांधी की किताबें यहाँ पर आई है, ऋग्वेद से सवाल है यहाँ पर, राठौड़ वंश के शासक। सर मैं अभी आज सुबह ही बेस ले रहा था, तो मैंने वहाँ पर राठौड़ राजवंशी कम्प्लीट करवाया था। मैंने कहा था उनका शासकों के क्रम पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे शासक जो होते हैं सामान्यतः उनको याद नहीं रखते हैं। ख्यालों से पिछली बार भी सवाल था, पटवों की हवेली है, इजलास खास है, वाद्यंत्र है, गणेशवर्ष की सभ्यता से सवाल है। तो इस तरह से सर कुछ किताबें यहाँ पर फिर पूछी जा रही है, राजपूत मध्य भारत सभा है, तो संप्रदायों से सवाल है यहाँ पर, 1857 की क्रांति से सवाल है यहाँ पर। सर छपाई, लोक कला, हस्तकला से सवाल यहाँ पर पूछे गए, चित्रकला। सर कल मेरी एक विशेष कक्षा थी, तो मैंने उसमें विद्यार्थियों से कहा था कि भैया देखो चित्रकला से आपके सवाल पूछा जाएगा। सर चित्रकला से सवाल पूछने का उद्देश्य क्या होता है? हस्तकला दे रखी है सर। हस्तकला क्या होती है? हाथ से बनाई गई आने वाली कला। चित्रकला भी तो हस्तकला ही होती है सर। मैंने ये बार बार कह रहा था, मैंने यूट्यूब पर शॉर्ट्स भी डाले थे सर इसके। बाकी अगर हम कुछ और बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अभिलेखों से सवाल, बावड़ी को लेकर चार बेद ये हमेशा लोकप्रिय रहा है, धानवन दुर्ग। तो इस तरह से देखा जाए तो एक अच्छा पेपर है सर, राजस्थान जीके का नो डाउट बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं सर। तो सर नो डाउट पेपर, मतलब जिस तरीके का सोच रहे थे, मतलब आपका पेपर जो है बिल्कुल ठीक रहा है। एक क्वेश्चन जो है चट्टानों से पूछ लिया, जो कि सिलेबस में यहाँ पे आपका मैं देख सकता हूँ कि साफ साफ मेंशन नहीं था, और प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सिंपल क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टान जो है इनको प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। और नो डाउट जैसे प्रीलिम्स में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उस तरीके से कुछ क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे भी पूछे हैं। साइंस की बात करें तो साइंस वो जनरल साइंस पूछी है इन्होंने, जो एसएससी के अंदर सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। और नो डाउट पेपर कुल मिला के मैं कहूँगा कि एक एवरेज पेपर था, एक अच्छा पेपर था। हाँ, ना बहुत ज़्यादा आपका आसान था और ना ही बहुत ज़्यादा आपका हार्ड था। और जो लोग ये सोच रहे हैं क्वेश्चंस इजी थे, तो अभी जाके जब आंसर की मिलाएंगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें थोड़ा सा एक्साइटेड होके हम क्वेश्चंस जो हैं वो गलत कर देते हैं, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है लर्नर के साथ में। तो सर आंसर की कितनी देर में निकाल रहे हो आप इसकी? सर अभी देखते हैं, हमारे अनअकैडमी के एजुकेटर्स लगे हुए हैं, तो मुश्किल से लगभग मेरा मानना है कि 2 बजे तक आ जानी चाहिए आंसर की। अच्छा, बाकी तो फिर देखते हैं सर। ओके, तो सर नो डाउट लर्नर को मैं बताना चाहूँगा कि हम इसके आंसर की अनअकैडमी आरपीएससी लाइव पे निकालेंगे, और ऑथेंटिक आंसर की जो है वो निकालेंगे, जो क्वेश्चंस जो हैं जिसके जो बिल्कुल सटीक आंसर जो होंगे वो निकालेंगे। तो आप अनअकैडमी आरपीएससी लाइव चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो मेंस की जो है एक सटीक और ऑथेंटिक आंसर की यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं अपने पेपर को। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और लर्नर से यही कहना चाहूँगा कि जो हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, तनाव मत लीजिए, यही रहिए, बस मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। मिलते हैं अनअकैडमी लाइव आरपीएससी यूट्यूब चैनल पर हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।